हेलो गाइस, तो कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि अब उन्होंने स्पॉटोन में पार्टिसिपेट कर लिया है, अब आगे वो क्या करेंगे। तो अगर मैं बात करूँ तो अगर आप लोगों ने स्पॉटोन में पार्टिसिपेट कर लिया है एंड अगर आप लोग गए थे तो आप लोग की जो स्पॉटोन है अब वो कंप्लीट हो गई है। एंड अगर मैं बात करूँ तो अब आप लोग के नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहने वाले हैं, तो जो आप लोग की फ़ीस है वो सबमिट होगी। तो लाइक आप लोगों की जो फ़ीस होगी आप लोग कहाँ सबमिट करोगे, तो जो वेबसाइट है BBAU की, वहीं पर आप लोग को लॉग इन करके वहीं पर फ़ीस का ऑप्शन आएगा, वहीं पर आप लोग को फ़ीस पेमेंट करनी है। एंड अगर हम लोग बात करें कि आप लोग को मेल भी आ जाएगा, तो लाइक जब आप लोग जो भी आप लोगों ने मेल से रजिस्टर किया होगा उस पर मेल आ जाएगा अगर आप लोग सिलेक्टेड हो। एंड कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिन्हें मेल भी नहीं आएगी, बट आप लोग को मेल भी आ जाएगी। एंड बाय द वे अगर नहीं आ पाती है तो अगर आप लोग के पास ऑप्शन आ गया है फीस पे करने का, तो आप लोग फीस पेमेंट वगैरह भी कर सकते हो। एंड अगर हम लोग बात करें कि फीस पेमेंट की लास्ट डेट कब तक है, तो 14 अक्टूबर तक आप लोग फीस पेमेंट कर सकते हो। एंड जो आप लोग की लिस्ट होगी कि कौन कौन स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उसकी लिस्ट भी आ जाएगी वेबसाइट पे, तो आप लोग उसमें भी चेकआउट कर सकते हो। अगर आप लोग को मेल नहीं आती है तो जो लिस्ट आएगी, आज लिस्ट आ जाएगी, आज या कल तक में तो आ ही जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली आज आ जाएगी, तो उसके बाद आप लोग लिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर आपके नेम है तो आप लोग सिलेक्टेड हो एंड जस्ट आप लोग को फीस पे करनी है। एंड आप लोग को जो मेल होगा वो भी आ जाएगा, तो आप लोग अपने मेल भी चेक करते रहना एंड लिस्ट वगैरह भी चेक करते रहना। लिस्ट आएगी तो फिर उसमें भी आप लोग चेक कर सकते हो, अदरवाइज मेल जो है वो तो आप लोग को आ ही जाएगी। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हो। एंड जो आप लोग की फ़ीस पेमेंट होगी उसकी भी आप लोग को वहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। मे बी अभी आप लोग को शो ना हो रहा हो, बट एक दो दिनों में जो फीस पेमेंट होगी वो भी शो हो जाएगी, मे बी कल आप लोग को देखने को मिल सकती है। एंड जैसे ही वो ऑप्शन आ जाएगा उसके बाद आप लोग फ़ीस पे कर देना, बिकॉज अगर आप लोग फ़ीस नहीं पे करोगे तो जो आप लोग की सीट होगी वो कैंसल्ड हो जाएगी, तो फिर उसके बाद जो अनदर कैंडिडेट हैं उसे ऑफर किया जाएगा। तो इसीलिए आप लोग फीस पे कर देना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट राउंड में फीस नहीं पे कर पाए थे या सेकेंड राउंड में, तो आप लोग फीस पे कर देना। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी।